सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार और आपका इस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे पहली सिंपल रेसिपी, और ये जो रेसिपी है इसमें ये देखिए, ये मेरे पास आलू हैं, और ये जो आलू है ना, एक्चुअली क्या किया हुआ है, इसे थोड़ा सा छोटे वाले आलू हैं ये, और इसे हल्का सा उबाला हुआ है। आप चाहें तो करीब 2 मिनट तक माइक्रोवेव में इसको आप रख के पका लें, और उसके बाद ये जो आलू हैं इसे क्या करना है, पहले या बाद में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा ये देखिए ये आलू, बस थोड़ा सा ये फोक की सहायता से, ये देखिए ये मेरे पास सी सॉल्ट, पेपर, क्रश्ड पेपर, ये इसमें कुछ लाल मिर्च क्रश्ड, रेड चिली ये इसके अंदर, गार्लिक ये थोड़ा ज़्यादा, और उसके साथ साथ ड्राइड हर्ब्स इसके अंदर ये ले ली, ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये इसके अंदर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। एकदम ये ऐसे हो गए कि वाह क्या आलू बनेंगे ये, क्योंकि सारे स्वाद इसके अंदर हैं। अब एक ये डिश ले लें, और ये जो डिश है इसको ओवन में रखना, ऐसी डिश वो तैयार करें, और ये लीजिए, और आलू के साथ साथ ये जो पूरा मसाला है ना इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ये देखिए। अब क्या करना है, अब कुछ हमारे पास टमाटर, तो ये जो टमाटर हैं ये आलू के अंदर छोटे वाले टमाटर, और अब इसको रख दें अवन के अंदर। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आलू जो हैं ये काफ़ी एक तरह से क्राउडेड हैं, लेकिन छोटे साइज़ के आलू हैं, उसको आधा हमने पकाया हुआ है, फिर मसाला लगाया टमाटर के साथ में, अब इसको रख देते हैं अवन के अंदर, और अवन में रख दें आप करीब 180-200 डिग्री सेल्सियस के करीब, और आधा घंटा इसको आराम से रखें, बिल्कुल भूल जाएँ कोई डरने की बात नहीं है। ये जो आलू हैं जब पकेंगे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर जब आप इसको परोसेंगे ना तो क्या होगा कि जो टमाटर हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसको सर्व करते करते ही वो हल्के से दबने शुरू हो जाते हैं, और टमाटर और आलू जब साथ में मिलते हैं, पके हुए आलू और एकदम पिलपिले जिसमें से रस निकल रहा है, टमाटर ज़्यादा नहीं, वो मसाले के साथ में लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं, हरी नहीं, लाल मिर्च, काली मिर्च, और उसके साथ में ड्राइड हर्ब्स, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें, बस सब्जी खाते हैं ना, देखिए आलू की जो सब्ज़ी है वो ऐसी है, चाहे चिकन हो, फिश हो, या सब्जियां कोई भी हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आलू के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। आलू के पराठे नहीं होते तो क्या होता, समोसे में आलू नहीं होता तो क्या होता है, अगर रोस्ट पोटैटो स्टाइल से नहीं होते तो क्या होता, ना जाने क्या होता है।